अब खबर अपराध जगत से। जगदलपुर में पुलिस ने 400 किलो अवैध गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश और पंजाब के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है आरोपियों से जब्त गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। एसपी दीपक झा के निर्देश पर लगातार गांजा तस्करों पर पुलिस शिकंजा कसती जा रही है। उड़ीसा में गांजे की बेशुमार खेती के चलते गांजा बहुत ही कम दाम में वहां पर मिल जाता है, जिसे लेने कई प्रदेशों के लोग उड़ीसा पहुंचते हैं और छत्तीसगढ़ के रास्ते अन्य राज्यों में गांजे की तस्करी की जाती है। इसी के तहत चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 400 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। बताया जा रहा है कि गांजे की कीमत दूसरे प्रदेशों में करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।